हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट स्विस रोल। तो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है ये स्विस रोल और बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसको फटाफट से। ना आपको गैस चलाना है, ना इसमें शुगर की ज़रूरत है, सिर्फ हमें ओरियो बिस्किट चाहिए और हम ये स्विस रोल 5 से 6 मिनट में बना लेंगे। तो मैंने ये एक ओरियो बिस्किट लिया है। अगर आपको ना मिले तो ये डार्क फैंटेसी है, ये भी सेम इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो एक पैकेट बड़ा मैंने ओरियो बिस्किट लिया है और दो डार्क फैंटेसी के दो छोटे पैकेट हम मैंने ये लिए हैं। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाएगा, ना हमें गैस चलाना है, हमें बस जल्दी से हम इसको बना लेंगे। तो हमें इसको अलग करना है, इसका क्रीम और बिस्किट्स हमें अलग अलग कर देना है। तो एक प्लेट में हम क्रीम निकालेंगे और एक प्लेट में हम बिस्किट्स अलग करते जाएंगे इस तरीके से। तो गाइस मैंने कर लिया है, बिस्किट अलग हो गए हैं, क्रीम अलग हो गया है। तो एक मिक्सर का जार ले लेंगे, उसमें बिस्किट्स को तोड़ कर डाल लेंगे। आप चाहें तो कोई पोलिथीन बैग में भी इसको क्रश कर लेंगे, लेकिन वो पाउडर नहीं बनेगा। मिक्सर के जार में इसका फाइन पाउडर अच्छे से बन जाएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा। तो बस हमें इसको मिक्सर के जार में डाल देना है बिस्किट तोड़कर, और इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। गाइस आप देख सकते हैं फाइन पाउडर बन गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून, और इसको एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा मिल्क नहीं ऐड करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही मिल्क ऐड करना है, 2 से 4 टेबल स्पून, और ये एक डो तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत इसको लूज़ नहीं करना है, टाइट ही डो हमें तैयार करना है। तो अच्छे तरीके से सारा इसको इस तरीके से हमें ये डो बन जाएगा। अब इसको हम रख देंगे साइड में। इसको साइड में रख देंगे। जो क्रीम हमने निकाली थी वाइट वाली, सारी चीज़ें हम ओरियो बिस्किट से ही बना रहे हैं, तो हमें कुछ भी अलग से नहीं लेना। उस क्रीम के अंदर मैंने 2-2 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है और इसको अच्छा से बैटर बना लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर बहुत रनी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से थिक बैटर होना चाहिए। मैंने पार्चमेंट पेपर ले लिया है, इस तरीके से डो बीच में रख दिया है। एक बेलन से हम इसको बेल लेंगे, हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ, भारी हाथों से इसको नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथों से हमें इसको पूरा इवेनली इसको बेल लेना है। कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, सारे चारों तरफ से ये बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं और ये देखिए हमने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अगर साइड से आपको ऐसा लगे तो आप इसको बराबर कर लें हाथों से। अब जो हमने क्रीम बनाया था, जो हमने क्रीम निकाला था, उसका क्रीम हमने बना लिया था, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा स्पून से डालते जाएंगे और इस तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे। इवनली चारों तरफ हमें क्रीम लगा लेना है। ये देखिए लग गया है। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी जैसे हम रोल फोल्ड करते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से करिएगा, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है तो ये टूट जाता है, इसलिए आप इस तरीके से पहले इसको ऐसे करके पार्चमेंट पेपर को और इस तरीके से दबा दबा कर फोल्ड करते जाएंगे। अब लास्ट वाला पार्ट बचा है, एक बार और फोल्ड होगा ये। तो ये देखिए गाइस पूरा फोल्ड कर दिया मैंने। अब इसको हम लपेट कर 2 से 3 घंटों के लिए फ्रीज में रख देंगे। आप चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो गाइस मुझे अभी 1 ही घंटा हुआ था और ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को सब्र नहीं हो रहा था, उसको बस बार बार वो पूछ रही थी मम्मा इसको निकाल लें, इसको निकाल लें। तो फिर मैंने उसके लिए निकाल दिया और ये देखिए अभी थोड़ा सा ये लूज़ है। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे तक रखेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको जल्दी निकाल लिया था। तो बस हमारे स्विस रोल रेडी हो गए हैं। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए
और बस थैंक यू, बाय बाय।